हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड टीटी के पिछले वर्षों के शॉर्ट पेपर की जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का ये शॉर्ट पेपर है जो कि पिछले वर्षों में उत्तराखंड टीटी में आ चुका है, और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड टीटी, सीटीईटी, यूपी टीटी, आरईटी और सभी स्टेट्स के लिए होने वाले टीटी एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि बीएड, डीएलएड, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। उत्तराखंड टीटी का जो 2021 में एग्जाम होना है ये 24 मार्च 2021 को प्रस्तावित है, तो यहाँ पे मैं आपको जो पिछले वर्षों के उत्तराखंड टीटी के पेपर्स हैं, शॉर्ट पेपर हैं, इसकी जानकारी दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि 121 से स्टार्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कि पूर्व पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ऑप्शन है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसकी एक्सप्लेनेशन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, इसकी स्थापना सन 1935 में की गई थी। तो जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कि पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, इसकी स्थापना सन 1935 में की गई थी। सन 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा 1957 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, 1947 में जो हेली राष्ट्रीय उद्यान था इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान और सन 1957 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो सन 1957 में इसका नाम हुआ है कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उससे पहले इसका नाम 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था, और उससे पहले जो इसका जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासरकोर नामक रोग डैश की कमी से होता है? क्वासरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। सही उत्तर है प्रोटीन। क्वासरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, क्वासरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है, इस रोग में शरीर की वृद्धि एवं विकास बाधित होता है। तो क्वासरकोर जो रोग होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है, और जो क्वासरकोर रोग होता है इसमें शरीर की वृद्धि एवं विकास बाधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता नापी जाती है? रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, चक्रवात। सही उत्तर है भूकंप। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, इस पैमाने में 1 से 9 तक की संख्याएं होती है, इसमें अंकित प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या के 10 गुणे परिणाम को बताती है। तो जो रिक्टर पैमाना होता है इससे भूकंप की तीव्रता नापते हैं, और इस पैमाने में 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं, और इसमें अंकित प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है नवम्बर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। सही उत्तर है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन है, 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सप्ताह जो है ये प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा निकलने वाली गैस ऑक्सीजन होती है। एक्सप्लेनेशन है इसका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हरे पौधे ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जब चावल को पॉलिश किया जाता है तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि नष्ट हो जाता है?
ऑप्शन है एस्कोर्बिक अम्ल, कैल्सी फरोल, थायरोक्सिन, थायमीन। सही उत्तर है थायमीन। चावल को पॉलिश करने पर थायमीन जो विटामिन है ये नष्ट हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, चावल को पॉलिश करने पर विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो चावल को जब पॉलिश करते हैं तो विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है, और विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है ये थायमिन होता है, और इसकी कमी से, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन है जड़, तना, फूल, फल। सही उत्तर है फूल। लौंग एवं केसर पौधे के जो फूल भाग होता है इससे प्राप्त होते हैं। एक्सप्लेनेशन है, लौंग एवं केसर पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? कौन सा, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। ऑप्शन है मोनाल, बुरांस, बाघ, कस्तूरी मृग। सही उत्तर है बाघ। मोनाल, बुरांस और कस्तूरी मृग जो है ये उत्तराखंड के राज्य प्रतीक हैं, और बाघ उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। एक्सप्लेनेशन है, बाघ उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। उत्तराखंड का राज्य राजकीय पक्षी मोनाल, मोनाल जो है ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। उत्तराखंड का राज्य राजकीय वृक्ष बुरांस, बुरांस उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, और उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है ये कस्तूरी मृग है। तो मोलाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, बुरांस उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, और कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R कौन से हैं? ऑप्शन ए पुनः प्रयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। बी पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। सी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। डी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। सही उत्तर है ऑप्शन सी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के जो R हैं ये है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। एक्सप्लेनेशन है, पर्यावरण को बचाने के लिए सन 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नीतिगत बयान की घोषणा की थी जिसमें कचरे में कमी लाने, रिड्यूस, पुनः चक्रण, रिसाइकिल तथा पुनः उपयोग, रीयूज पर बल दिया गया है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए सन 1952 में 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नीतिगत बयान की घोषणा की थी जिसमें कचरे में कमी लाने, रिड्यूस, पुनः चक्रण, रिसाइकिल और पुनः उपयोग, रीयूज पर बल दिया गया। तो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। सही उत्तर है सौर ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल में से सौर ऊर्जा जो है ये ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है जिससे कि प्रदूषण नहीं होता। तो सौर ऊर्जा ऐसा स्रोत है जिससे कि अप्रदूषकीय स्रोत है जिससे प्रदूषण नहीं होता। नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल और डीजल प्रदूषकीय स्रोत है। इसका एक्सप्लेनेशन है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत सौर ऊर्जा है, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, यह नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है। तो सौर ऊर्जा जो है ये ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत होता है, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता, और यह नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। एक्सप्लेनेशन है, पृथ्वी का उष्मायन अर्थात पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। इसमें CO2 तथा मिथेन जैसी गैसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो पृथ्वी का उष्मायन जो है अर्थात पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, कार्बन डेटिंग विधि किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, वस्तु की पहचान करने में। सही उत्तर है वस्तु की आयु ज्ञात करने में। कार्बन डेटिंग विधि जो है ये वस्तु की आयु ज्ञात करने में प्रयुक्त की जाती है। एक्सप्लेनेशन है, कार्बन डेटिंग विधि से किसी वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है।
इस विधि से पता लगाया जाता है कि वस्तु कितनी पुरानी प्राचीन है। कार्बन डेटिंग जो विधि है इससे वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है, और इस विधि से पता लगाया जाता है कि वस्तु कितनी पुरानी प्राचीन है। तो कार्बन डेटिंग जो विधि है ये वस्तु की आयु ज्ञात करने में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लिप्रोसी, एरोसोल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है स्टोन लेप्रोसी। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। ऑप्शन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लिप्रोसी कहा जाता है, और अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के ऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना, मंदिरों का जीर्णोद्धार। सही उत्तर है गंगा की स्वच्छता। स्पर्श गंगा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य यह है गंगा की स्वच्छता। एक्सप्लेनेशन है, उत्तराखंड में चलाए जा रहे स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना है। तो उत्तराखंड में जो स्पर्श गंगा अभियान चलाया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। मीना माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है। मिनामाटा रोग जो होता है ये प्रदूषण जनित रोग होता है जो परिणाम है, जो किसका परिणाम है? ऑप्शन है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। सही उत्तर है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो औद्योगिक पारा परिशिष्ट को पानी में छोड़ने का परिणाम है। इसका एक्सप्लेनेशन है, मिनामाटा रोग शरीर में पारे की अधिकता से होता है। यह पारा औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में जल में छोड़ा जाता है। ऐसे प्रदूषित जल के सेवन से यह रोग तेजी से फैलता है। तो मिनामाटा रोग जो है यह शरीर में पारे की अधिकता से होता है। यह पारा औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में जल में छोड़ा जाता है। ऐसे प्रदूषित जल के सेवन से यह रोग तेजी से फैलता है। मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो कि औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का परिणाम है। इस वीडियो में 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि पिछले वर्षों के उत्तराखंड टीईटी के पेपर्स में आ चुके हैं, और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड टीईटी, सीटीईटी, यूपी टीईटी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि ग्रुप सी, ग्रुप डी, बीएड, डीएलएड, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, योगा एंट्रेंस एग्जाम, एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।